पाकिस्तान में बैरूनी इमदाद पर पलने वाली एनजीओज का सबसे बड़ा नारा ख्वातीन की आज़ादी और उनके हुकूक का तहफ़ और उन पर तशद्दुद की रोकथाम होता है, लेकिन ये मगरबी दुनिया में मशरक़ी ख्वातीन पर जुल्म की सच्ची और झूठी दास्तानें बेचकर पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। मज़े की बात यह है कि औरतों के हुकूक का राग अलापने वाले शराब की पाबंदी की मुखालिफत कर रहे हैं, जबकि 95% शराब नोशी करने वाले मर्द औरतों पर तशद्दुद करते हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद कम करना है और औरतों और बच्चों की हिफाजत और उनके हुकूक की ज़मानत चाहिए तो शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगानी होगी। इमरान खान साहब, ये शराब की लाइसेंस शॉप्स नहीं बल्कि घरेलू तशद्दुद की लाइसेंस शॉप्स हैं। शराब पर पाबंदी लगाइए, औरतों को महफूज बनाइए।